नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एक नाबालिग बच्ची जब अपना दर्द सुनाने थाने पहुंचती है तो उसकी एक भी नहीं सुनी जाती तथा उसको और उसकी मां को थाने से भगा दिया जाता है। उस बच्ची के साथ पुलिस द्वारा ये व्यवहार बहुत दुखदायी तब हो जाता है जब वह बच्ची मात्र 15 साल की उम्र में मां बन जाती है। यूं तो रायसेन जिले की SP भी एक महिला है, मगर शायद उनके दिल में इस बच्ची के लिए कोई दर्द नजर नहीं आया। तभी तो दुष्कर्म के सातों आरोपी रिपोर्ट लिखे जाने के 18 दिन बाद भी खुले घूम रहे हैं और पुलिस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे दरिंदे ना जाने किस लड़की को अपनी दरिंदगी का शिकार बना लें। पुलिस के पास तो मानो दिल में दया ही नहीं और रहम नाम की चीज ही नहीं और गरीब दलित आदिवासियों को सुनने वाला कोई नहीं है। रश्मि, क्या हादसा हुआ आपके साथ, क्या दुर्घटना घटी? सर, हमें पंचायत भवन में धान दिया था, चार लोग रिपोर्ट हुई है। चार लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। हाँ सर। और आपको कितने लोगों ने धान लिया था? 7 ने। तो 3 को पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया? नहीं सर। तो वो लोग अभी 4 लोगों पे मामला दर्ज किया, वो क्या पकड़ लिया पुलिस ने कि नहीं पकड़े? नहीं पकड़े सर, वे भी खुल्लम फिर रहे हैं। वे भी खुल्लम फिर रहे हैं। हाँ। और 3 पे जिस पे मामला दर्ज नहीं किया वो भी खुले? हाँ। तो क्या आप चाहती हैं कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए? हाँ सर। चिकित्सालय रायसेन के मेटर्निटी विंग में रश्मि, उम्र 16 वर्ष, डॉक्टर ऑफ हरि किशन, दिनांक 10 मई को भर्ती हुई थी, दोपहर के 1 बजे के लगभग, और शाम को 6 बजे उसने एक फीमेल चाइल्ड को बर्थ दिया है, डिलीवरी हुई है उसको। ये केस एक MLC केस है और ज़्यादा MLC के बारे में ज़्यादा डिटेल में तो खैर मुझे पता नहीं है, पर इतना ही मालूम है कि ये 10 तारीख को भर्ती हुई है और शाम को 6 बजे के लगभग फीमेल चाइल्ड को बर्थ हुई। कहाँ से रेफर किया गया? इसको गैरतगंज से रेफर किया गया। ये नाबालिग बच्ची अस्पताल में एडमिट हुई थी तो डॉक्टर की सूचना हमें मिली, चूँकि वह बच्ची नाबालिग थी और प्रेग्नेंट थी, तो इस संबंध में डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों ने तत्काल FIR कायम की। उस बच्ची का न्यायालय में 164 के कथन कराए गए और उसके आधार पर इसमें मामला दर्ज किया गया। मुलजमों की तलाश जारी है, हम शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेंगे। परिजनों का ऐसा कहना है कि हमने थाने में 7 लोगों के खिलाफ आवेदन दिया था मगर पुलिस ने केवल 4 लोगों के खिलाफ कायम की है, 3 लोगों को बचाया जा रहा है। जो लड़की ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं FIR के लिए और जो उसने न्यायालय में कथन दिया है उसके तदनुसार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या रायसेन SP श्रीमती मोनिका शुक्ला के दिल में भी मानवीय संवेदनाएं नहीं रह गई और आज भी दुष्कर्म करने वाले 7 आरोपी आजाद घूम रहे हैं और ये बच्ची इन अपराधियों की सजा मात्र 15 साल की उम्र में मां बनकर भुगत रही है। रायसेन से भारत मीणा की रिपोर्ट।